वेलकम टू विजन MBA। नाउ गाइस, कल KJ सोमैया ने अपनी लिस्ट ए, सो कॉल लिस्ट ए डिक्लेयर की। कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स नाउअडेज वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल डॉट, यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन फ्रॉम एनीवेयर। दे आर चिट चैटिंग कि यार मेरा भी वेट लिस्ट है, मेरा भी वेट लिस्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स को सारे के सारे कोर्सेज में वेट लिस्ट आया। So I thought, let me make a video and inform you that what is happening and what you should be doing next. There are three reasons that I'm going to explain in this video. Of course, the third reason I cannot explain because that will be very controversial. कई सारी बातें हो जाएंगी, मेरे पे काफ़ी बम फट जाएंगे, jokes apart. But well guys, I thought let me make this video and clarify that what is going on because as a student तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे doubts होंगे. So लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हुआ है। नाउ गाइस, KJ सोमैया की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपना क्लैरिकल, आई टेल यू द रीज़न व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाई ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट द वेटिंग लिस्ट फॉर ऑल दोस टॉप कोर्सेज। आई टेल यू द रीज़न व्हाई, बिकॉज KJ सोमैया को अपना क्लैरिकल वर्क कम करना होता है। क्लैरिकल वर्क कैसे कम होगा मैं बताता हूँ। आप में से कई सारे ऐसे बहुत डेढ़ शाने लोग होते हैं जो नरसी मोंजी का भी एडमिशन लेके बैठते हैं, सिम्बोसिस का भी बैठते हैं और KJ का भी बैठते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डिसाइड नहीं होता कि उन्हें नरसी मोंजी जाना है, IMT जाना है या ग्रेट लेक्स चेन्नई जाना है, सिम्बोसिस जाना है। कई सारे रीजंस होते हैं। कई लोगों का उन कॉलेजेस में वेटिंग लिस्ट होता है। सो ऑफकोर्स अगर KJ सोमैया उन लोगों को एडमिशन दे देगा, उनको एडमिट कर लेगा और बाद में कई सारे लोग बैकआउट करेंगे एडमिशन से, तो उनके लिए क्लैरिकल वर्क बढ़ता है। पहले एडमिशन के लिए मगजमारी करो, फॉर्म लो, डॉक्यूमेंट दो, फीस लो, बाद में वापस से सेम प्रोसीजर करो एडमिशन कैंसिल करने के लिए, फिर दोबारा से किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन लो। सो गाइज, देयर इज़ सो मच ऑफ क्लैरिकल वर्क इन्वॉल्व, एंड टू अवॉइड दैट KJ सोमैया, नॉट जस्ट KJ सोमैया, मैनी कॉलेजेस डू दिस trick, I'll say. They want those people who are not sure, those people who are not sure of doing MBA, those people who are now thinking not to do MBA, those people who cannot or do not want to invest that much amount of money in MBA, or people who are considering KJ Somaiya as the second option, वो सारे student filter हो जाएं. That is the reason इतने सारे लोगों को, almost सभी को waiting list सभी courses में आया है. दूसरा सवाल और जो दूसरा point ये है कि क्यों ऐसा हुआ, तो एक और रीज़न ये होता है कि KJ सोमैया ये भी जानना चाहता है कि ये भी चाहते हैं वो लोग, ऑफकोर्स MBA इज़ बिजनेस, दे वांट कि उन कोर्सेज़ के लिए लोग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए जो कोर्सेज़ के लिए सीट्स यूजुअली खाली जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दोज कोर्सेज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर KJ सोमैया। सो KJ सोमैया ये ब्रेन गेम या ट्रिक इसलिए भी करता है कि लोग उन कोर्सेज़ को भी एक्सेप्ट कर ले तो ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते। एक और रीज़न है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं करूँगा, बट यहाँ पे एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, यू स्टे काम। आई नो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, उनका इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया है और हर एक में 5 या 6 सब में वेटिंग लिस्ट आ गया है। इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर बैड और मे बी योर इंटरव्यू डिडंट गो द वे इट शुड हैव बीन। KJ सोमैया पीपल डू दिस थिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू end the confusion. They want the people who are dead sure that yes they are going to be there, stay there. क्योंकि हर एक कॉलेज का प्रोसेस डिले हो गया है। कई सारे स्टूडेंट्स अभी वेलिंगकर के लिए भागेंगे, किसी के लिए कोई भागेगा, कोई सिम्बोसिस का वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहा है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। सो एज अ स्टूडेंट, आई इफ़ यू आर थिंकिंग वेदर योर चांस इज देयर और नॉट, आई सजेस्ट स्टे काम, हैव पेशेंस। इट्स नाउ अ गेम ऑफ पेशेंस। डेफिनेटली एक ना एक कोर्स तो आपको उस प्रिफर्ड लिस्ट में एंड तक लग ही जाएगा। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, टेक योर डिसीजन कामली, स्टे पुट Guys, relax. So I thought I should come in front and explain you few reasons that why it's happening. I hope this small video is going to give you some clarity and some peace of mind. Thank you and stay blessed.